आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के बिलेरियागंज क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के श्रीनगर सियराहा अंडरपास के पास शुक्रवार दोपहर प्राइवेट बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार एक वृद्धा की जहां मौके पर ही मौत हो गई, 20 से अधिक यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। वाहनों की टक्कर से मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्य में जुट गया। घायलों को एम्बुलेंस से तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजकर भर्ती कराया गया। आजमगढ़ से सवारी लेकर प्राइवेट बस श्रीनगर सियराहा होते हुए रौनापुर की तरफ जा रही थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के श्रीनगर सियराहा मंदिर के पास बने अंडरपास के पास सामने से आ रहे ट्रक से बस की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से लगे झटके के कारण बस सवार लोग अपनी सीटों से उछलकर इधर उधर गिरे। हादसे में बस में वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। किसी का हाथ पैर टूटा तो किसी का सिर फूट गया। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित करते हुए राहत व बचाव कार्य में जुट गए। कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया। घायलों को दुर्घटनाग्रस्त जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मौके पर घायलों की चीख पुकार सुनकर सुनाई दे रही थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।